अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा एआई के बारे में कि मेटा एआई को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमें क्या क्या फायदा हासिल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वीडियो करते हैं। तो ये आ गए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और सबसे पहले हम करेंगे ओपन व्हाट्सएप को और ये आपको जो ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा है इसको ओपन करते हैं। ये मैंने पहले से ही सर्च किया और इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। इसमें हम बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो हम सर्च कर सकते हैं। बड़े कमाल का फीचर इन्होंने दिया है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब। तो एक सेकंड के अंदर जो है ना, ये देखिए अभी एक सेकंड के अंदर इसने हमें बता दिया कि आपने क्या क्या करना है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और ट्रांसलेट कर लेंगे। ट्रांसलेट करके हम जो है ना इसको उर्दू में देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है इधर में। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और ये देखिए ये उर्दू आ गया है। यहाँ पे हम जो है ना देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बताया है कि आपने क्या क्या करना है। हमारी वीडियो अच्छी होनी चाहिए, थंबनेल अच्छा होना चाहिए, टाइटल सब कुछ जो है ना वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बैक आ जाते हैं, दोबारा मैं आपको कुछ और सर्च करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं हिस्ट्री लिखता हूँ, हिस्ट्री ऑफ मीनार पाकिस्तान लिख देता हूँ। मैं मीनार पाकिस्तान की हिस्ट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये देखिए ये मीनार पाकिस्तान की हिस्ट्री आ गई है। इसको हम कॉपी करके फिर हम ट्रांसलेट पे जाते हैं और वहां पे जाके हम इसको उर्दू में देखते हैं कि उर्दू में ये क्या लिखा हुआ है। कॉपी करके हमने चले जाना है, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है कि कब ये बना था, किसने बनाया था, कितनी इसकी लंबाई है और कितनी इसकी चौड़ाई है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई फेमस जो शख्स है वहां उसका नाम भी लिख के मैं आपको बताऊंगा। पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज सेंड टू ग्लास। तो ये हमें पिक्चर भी सेंड कर देता है। तो अभी थोड़ी देर तक यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, ये देखिए। ये बस मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप जो मर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर किसी फेमस आदमी का अगर आप नाम लिखेंगे तो उसकी हिस्ट्री भी आ जाती है। अभी मैं आपको कोई फेमस आजकल बाबर आजमी फेमस है उसकी हिस्ट्री हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने ये लिखा है, हार्ट लिखा था, ये आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिस्ट्री ऑफ बाबर आजम। तो ये देखिए अभी ये हिस्ट्री आ गई, बाबर आजम की आ गई हिस्ट्री, कहाँ पे पैदा हुआ था। और ये मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देख लीजिए मौजूदा कप्तान है और इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है
सब कुछ, ये इनके कजन वगैरह जो है उनका नाम भी इधर आ गया, सारी हिस्ट्री जो है ना ये आ गई है। तो कैसे लगी है आज की वीडियो आपकी, कमेंट्स में आपने जरूर बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।